perpendicular line with same frequency of oscillation. Frequency same रह गया कि दो perpendicular line. अब इसमें भी अलग अलग phases का बात होता है. Suppose we consider two lines. One is along x and second is along y. ठीक है? देखो ये सब जो है क्वांटिटेटिव है, सब खाली देखना है अलग अलग केसेस में क्या क्या हो रहा है, इसमें सॉल्व करने का बहुत कुछ नहीं है. तो सपोज हम लोग x में रखते हैं ऐसे, y में रखते हैं, ब्रेक 5:30 बजे भी दे देंगे, ठीक है 15 मिनट में. y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, सपोज वी राइट लाइक दिस, ठीक है. And x equal to a cos omega t. We are taking two particular values. Amplitudes are same, and one is following sine along x direction and along x direction following cos and y direction along sine. तो ये जो अभी देख रहे हो ये याद पूछा रहा है ऐसा कहां पर हम लोग स्टडी किए थे इस टाइप का मोशन को. हाँ रोटेशनल, कहां पर? सर्कुलर मोशन में. सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते थे ना, सर्कुलर मोशन में इफ वी राइट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन देन द कॉम्बिनेशन विल गिव ए सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस आर. अगर ओमेगा का एक सर्कल, अगर एक सर्कल बनाया जाए और इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से विथ रेडियस ए, देन द वैल्यू ऑफ वाई विल बी व्हाट? ये बन जाएगा ओमेगा टी, ठीक है. वाई कितना हो जाएगा? वाई विल बी ए साइन ओमेगा टी एंड एक्स विल बी ए कॉस ओमेगा टी. And we also know that projection of circular uniform circular motion is simple harmonic motion. So projection along one direction, if you take along y, we will have this one. If you take projection of this one along x, we will have this one. ठीक है? And दोनों का combination जो है circular motion बनाएगा. और इसको देख सकते हो, देखो t equal to zero पर कहाँ होगा point बताओ. If you consider t equal to zero, the point will be here. T equal to zero means y is 0 and x is a. This is a. As time increases, y will keep on increasing, but x will keep on decreasing. And finally, you will have this. If omega t is pi by 2, the particle will reach here. As omega t increases, the particle will move like this. The circuit ko complete kare. This is the simplest case when we have two simple harmonic motions along two perpendicular lines. Simplest case, particular phase difference 90 का लिया हुआ है. Cos of sine means what? What is the phase difference between them? 90 degree. And same amplitude. Then we are getting this kind of system. Now if we start varying these quantities, then what kind of system we get? अगर हम लोग साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन कर दे, उल्टा कर दे, तब क्या होगा बताओ? पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा? वाई का वैल्यू मैक्सिमम यहां से स्टार्ट होगा एंड एक्स जो है वो जी अगर इसको हम लोग जीरो कर दें, अगर हम लोग x इक्वल टू a sin ओमेगा t कर दें एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो at t इक्वल टू जीरो y विल बी मैक्सिमम एंड cos जो होगा जीरो है, यहां से स्टार्ट होगा. एंड as टाइम इंक्रीजेस x विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. इसको रहने तो दूसरा में पहला कॉपी कर लिए, ठीक है कॉपी हो गया ना, दूसरा एक्सप्रेशन अलग इसको ड्रॉ करोगे फिर गड़बड़ आएगा. cos
एंड साइन, क्या होगा इसमें बताओ? ये उल्टा चलेगा ऐसे, लास्ट केस द पार्टिकल आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, नाउ इट विल मूव क्लॉकवाइज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल स्टार्ट मूव क्लॉकवाइज. ठीक है, सेकेंड डायग्राम, सेकेंड उसी में सेकेंड केस लिखो, तो फेजेस ऐसे ऐसे चेंज कर दिया. ठीक है, फर्स्ट वाला तो ठीक है, सेकेंड वाला में ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. फर्स्ट वाला है, दूसरा है, दूसरा केस है. ठीक है, लास्ट केस वाज पार्टिकल मूव से लॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज, इन दिस केस पार्टिकल मूव क्लॉकवाइज. हाँ, ओमेगा उल्टा हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर लिखा हो क्यों इसको हटा दो, दोनों में आपस में रिलेशन. ओके, ये हो गया. आप देखो और क्या क्या वेरी कर सकते हैं. नाउ वी कैन वेरी द ए, इफ यू टेक ओमेगा का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया, ऐसे भी तो घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो ओमेगा इस तरफ हो गया, मतलब ओमेगा अंदर की तरफ ले लिए. एक्चुअली देखो इसमें क्या है कि फेज डिफरेंस साइन से मान लो कंसीडर करते हैं, तो कॉस और साइन के बीच 90 डिग्री का फेज होता है, लेकिन इसको उल्टा कर दें तो 270 डिग्री का नहीं लिख सकते हैं, 270 डिग्री का फेज डिफरेंस, दैट इज सेम एज माइनस 90 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं, सोचने का अलग अलग तरीका है. इसको हम लोग आगे रख रहे थे, ये आगे था, ये पीछे था, कॉस वाला पीछे था, अभी उल्टा कर दिया, कॉस इसको आगे रख दिया और इसको पीछे रख दिया. ये पीछे है मतलब कि 270 डिग्री, ये 90 डिग्री पीछे है मतलब कि 270 डिग्री से एडवांस है, ये भी बोल सकते हैं. अब पीछे है तो इसलिए ऐसे घूम रहा है इस तरह से. ओके, अलग अलग केसेस हम लोग देखते हैं. देखो, इफ ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, सपोज वाई इज ए साइन ओमेगा टी एंड एक्स इज बी कॉस ओमेगा टी, क्या होगा बताओ? क्या होगा, क्या होगा? डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी एंड स्क्वायर एंड ऐड, व्हाट यू विल गेट? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दैट इज एलिप्स. सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ऑन एक्स एक्सिस इट विल बी बी एंड माइनस बी एंड वाई एक्सिस इट विल बी माइनस ए एंड. Yeah. And clockwise, anti-clockwise, you can decide depending on which one is sine, which one is cos. So we have already discussed, we will not discuss it again. Okay. So in this, all the cases which we discussed now, ye tisra case tha, case 3 tha. In all these cases, the phase difference was 90. Either 90 plus 90 or minus 90. Now we will consider some arbitrary angle. Suppose 30 degree, 45 degree. So, us case mein kya hoga? We will take the same radius and we will consider different varying angles. So, wo chautha case analyze karenge. Case 4. ठीक है? जो कहते हो. हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक लेते हैं x एंड y, a sin ओमेगा t लिए और इसको लेंगे a sin ओमेगा t. इसको क्या लेते थे हम लोग? दिस वाज sin ओमेगा t एंड दिस वाज cos ओमेगा t. नाउ वी विल टेक दिस sin ओमेगा t प्लस phi. ठीक है, we will consider this
y equal to a sin omega t and this one is sin omega t plus phi. अब देखो दोनों में क्या होगा, अगर phi को जीरो हो जाए तो क्या होगा बता, दोनों में साइन आ जाएगा, ठीक है, x and y will vary together, so x and y will be proportional, actually equal, because this a and a are equal. If you take phi equal to zero, at phi equal to zero, these two will become equal, so x equal to y, so what kind of graph we will have? We will have this kind of graph, straight line. Particle will oscillate along straight line. X equal to y. Is it clear? Now this is case phi equal to zero case. Now if you take phi equal to pi, pi means 180 degree. So if you consider sine omega t plus pi, sine 180 degree plus omega t, it means minus a sin omega t. So if you divide these two quantity, will you get y equal to minus x? Y equal to minus x. So you are going to get oscillation along this line. It means as x increases, the y decreases. When x reaches the plus extreme, the y reaches the minus extreme, negative extreme. Similarly, when y reaches the plus extreme, x reaches the negative extreme. ऐसे होगा oscillation, इस direction, इसमें ऐसे होगा, ठीक है? अब जैसे जैसे अब देखो, ये zero पर था और ये है 180 पर, ठीक है? और pi पर, pi ज़्यादा अच्छा। Now if we start increasing this angle, suppose we start increasing. क्या होता है, ये जो लाइन होता है ना, दिस लाइन स्टार्ट्स स्प्रेडिंग एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग ए इलिप्स, हम लोग ऐसा इलिप्स मिलने लगता है इस टाइप का, एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगल टिल इट रीचेस पाई बाय टू, पाई बाय टू मींस 90 डिग्री, सो इट विल बिकम कॉस, सो इट विल बिकम व्हाट, सर्कल, which we have already studied, so it will become like this. So it started from a straight line at phi equal to zero. As we keep on increasing the phi, this line starts spreading and spreading after some time. At phi equal to pi by 2, this will become complete circle. And if you keep on increasing the angle further, अब क्या होगा, ये से फैलते फैलते सर्कल बन गया, अब ये ऐसे खींचने लगे इस तरफ और इधर से चपटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो अब ऐसे बनेगा सर, फिर से एलिप्स बनेगा, एलिप्स ऐसे बनने लगेगा, ठीक है? आर यू गेटिंग? एंड फाइनली टिल इट रीचेस, टिल द एंगल रीचेस पाई बाई टू, सॉरी पाई 180 डिग्री, इट विल बिकम अगेन स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? If we change the angle phi, how the shape of this combined thing will change? It will start from a straight line. It will keep on becoming, initially it will start from straight line. It will become a very eccentric, highly eccentric ellipse. Then its eccentricity will decrease and finally it will become zero. It will become a circle. And then again, its eccentricity will keep on increasing. And then it will become again a straight line. Okay? But in other direction. And in this way, we will change the angle like this. Like this. Ellipse and circle and straight line will change. Okay? Okay, this is done. Now, one last thing is left. If frequency is different, then what will happen? Write it. Last case. If frequencies are different, if frequencies are different, ठीक है, ये केस उसी का पार्ट था, ये नया
चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टी लिखोगे, केस फाइव नहीं है, उसका केस नहीं है, ठीक है, वो खत्म हो गया, तो परपेंडिकुलर लाइंस वाले था ना, वो खत्म हो गया, हम लोग नया फ्रीक्वेंसी का कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, ठीक है, इफ टू फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट वन वाज आल्सो सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर वाज आल्सो अलोंग द विद द सेम फ्रीक्वेंसी, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, तो लिखो टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, टू SHM विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये सब ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, केवल क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा, तो हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो SHM बनता ही नहीं है, इफ दिस टू फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट देन वी विल नॉट हैव ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, द कॉम्बिनेशन इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक, तो हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ डायग्राम बनते हैं जो कि बहुत अच्छा दिखते हैं, मतलब ठीक है, वो शेप दिखेगा उसमें कुछ अच्छा डायग्राम, इसलिए हम लोग उसको देखते हैं, उसको लिसाजो फिगर बुलाता है, लिसाजो फिगर बोलते हैं, तो जैसे मान लो, ठीक है, x और y दोनों लिखते हैं, सपोज x इज a साइन ओमेगा 2 एंड y इज a साइन 2 ओमेगा t, ठीक है, देखो इसका इंपैक्ट क्या होगा, अलोंग x डायरेक्शन इट विल हैव सम ऑसिलेशन, बट अलोंग y डायरेक्शन इन द सेम टाइम इट विल हैव टू ऑसिलेशन, तो जो ऑसिलेशन जो होगा ना, देखो ऐसा बनेगा इस टाइप, इन वाई डायरेक्शन टिल इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन अलोंग एक्स, इन वाई डायरेक्शन इट कंप्लीट्स टू ऑसिलेशन, दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ इसका लेना देना नहीं है, अलग बन गया, अलग डायग्राम बना, इफ ये तो दो के लिए, अगर तीन होता तो क्या होता बताओ, ये एक हो गया, if x equal to a sin omega t, इसमें भी केस वन केस टू, जैसे ये केस वन हो गया, केस टू, थ्री ओमेगा टी कैसा दिखेगा बताओ, कैसा दिखेगा, तीन बार होगा ऐसे, एग्जैक्ट कहां पर किस तरह का डायग्राम बनेगा, फेज ये सब पर भी डिपेंड करता है, कितना हम लोग तो फेज जीरो ले रही है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, वो बहुत सारा फैक्ट, लेकिन वो जब ये एक बार इधर से इधर होगा ना एक्स में, तो वाई में तीन बार ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह रहता है, और भी बहुत कुछ रहता है इसमें, फेज जैसे जैसे चेंज करोगे, ये जो एक्स वाई में सिमेट्रिकल दिख रहा पूरा पूरा ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है, इट कैन रोटेट, और अगर एक्स को डबल कर दिया जाए y को सिंगल रखेगा, इस डायरेक्शन में से 8, जैसे इंफिनिटी का साइन बना ना उसमें 8 का साइन बनेगा, ठीक है, इफ y इज हैविंग ओमेगा t एंड x इज हैविंग 2 sin ओमेगा t, देन यू विल हैव ए फिगर सिमिलर टू 8, तो यही सब इसमें बनता है, जैसे जो फिगर इसको बोलते हैं, तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड वी हैव 4 क्वेश्चंस which will solve, okay, ध्यान दो इधर, 56 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 says, three simple harmonic motions of equal amplitudes a and equal time period means equal frequency in same direction combined, the phase of second motion is 60 degree ahead of first, phase of third motion is 60 degree ahead of second, find the amplitude of resultant motion. So first thing we will notice that all the three are in along same direction, are along same direction and their frequencies are same. So they can be added like vectors. They are phasor quantities. And the angle, the phase difference between them will be have like a angle between the vectors. So
first we will draw the first vector with amplitude A. Now second vector at 60 degree. Second vector of same magnitude A. Then third vector again 60 degree. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. नाउ यू कैन सी इफ यू टेक सिमिलर सिक्स वेक्टर्स इट विल एड टू गिव ए रेगुलर हेक्सागोन. सो दिस इज पार्ट ऑफ ए हेक्सागोन. So we have to find this as resultant. Resultant क्या हो जाएगा बताओ, hexagon के one corner से opposite, diametrically opposite corner AA कितना होगा बताओ? Will it be 2A? So amplitude will be what? 2A from vector addition. And the angle if you see, the resultant is having the same angle as the second vector. So 60 degree with the first one. So क्या निकालना है? Find the amplitude of the only amplitude you have to find. So amplitude will be 2A. So what is the answer? 2A. क्या गड़बड़ हो रहा था तुम लोग से? तो वेक्टर एडिशन से कैसे नहीं बनेगा? क्या गड़बड़ है? कुछ उसमें गड़बड़ी हो गया था. वेक्टर एडिशन क्या, उसमें तुम कंपोनेंट्स लेकर आई कैप जे कैप लेकर कर रहे थे, उसमें भी आ जाएगा. वैसे भी करोगे तब भी आएगा. ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड देयर डायरेक्शंस गेट आल्सो चेंज्ड. ठीक है, तो कैसे, कई तरीका करने का, सब में आएगा. ओके, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नाउ लुक एट 58. दोज हु हैव नॉट डन 58, इन दिस क्वेश्चन a particle is subjected to two simple harmonic motions, one along x direction and other along a line making an angle 45 degree with the x. One is along this direction, that is x naught sine omega t, and second is along this direction, that is s naught sin omega t. Find the amplitude of resultant motion. So they are having same phase and same frequency. So if these two are added, these two are not along the same line. So first we will consider along x. Along x, what will be the two quantity to be added? X naught sin omega t plus s naught sin omega t का component, the component of s naught, and component of s naught along x will be what? Cos 45 or 1 by root 2. So we can write like this. This is x part, and the y part will be what? The component of this s thing, the s simple harmonic motion along y direction. That will be s naught by 2 root 2 sine omega t, and this will be what? Sine omega t x naught plus s naught by root 2. Yahan jayega s naught by root 2. So if you combine the resultant magnitude you have to find. So if you combine these two are perpendicular directions, so if you add these two, we have to write the combination as x square plus y square under root. So sin omega t will be common, so it will be SHM, the combination will be SHM, and after that we can write x naught plus s naught by root 2 S naught by
अंडर रूट, ठीक है। कितना आएगा इसमें बताओ, तो सॉल्व इट, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर बाय टू, it will be s not square by 2, s not square by 2, so finally it will be s not square plus 2 x not s not by root 2, so this thing. So this will be the resultant amplitude and this will be the oscillating part, ठीक है, is it clear? तो chapter ये खत्म हो जाता है यहीं पर।